Now let's do prayer. Okay, prayer के लिए join your hands and close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. Then open your eyes. Then we have to do thank you prayer. Thank you God for the world so sweet, world so sweet. Thank you God for the food we eat, food we eat. Thank you God for the birds that sing, birds that sing. Thank you God for everything. Thank you God for everything. Then Zion. You are within me. You are infinite. You are unique. My potential inside. You are the wings beneath my flight. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might. I shall achieve you. My potential inside. Okay? अब प्रेयर के बाद हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट टाइम. कॉन्सेप्ट टाइम के बारे में आज हम देखेंगे अबाउट गुड हैबिट एंड टेबल मैनर्स. हाँ, गुड हैबिट हमें कैसे फॉलो करना है और हम जब टेबल मैनर क्या होता है उसके बारे में आई विल टेल यू. हाँ, देन गुड हैबिट क्या होता है? तो फर्स्टली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, देन कट योर नेल्स one in a week, then wear neat and clean clothes. हमें साफ और एकदम clean clothes पहनना है, ठीक है? Eat healthy foods on time, okay? And sleep time on time at night. आपको देर तक जागना नहीं है, TV और mobile आपको देर तक देखना नहीं है. आप जल्दी सो जाओगे night को तो जल्दी उठ पाओगे ना. इसके लिए आपको ये सब रूल्स फॉलो करने हैं. मम्मा जो हमें फूड दे वो टाइम टू टाइम खा लेना है. और फिर टेबल मैनर में हमें क्या करना होता है? जब मम्मा हमें फूड दे, जब हम डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते हैं, तब हमें क्या करना होता है? फर्स्टली हमें अपना हैंड अच्छे से वॉश करना होता है और फिर उसे ड्राई करना होता है हैंडकरचीफ से और नैपकिन से, ठीक है? और जब हमें मम्मा फूड दे, हेल्दी फूड दे, तो हमें मम्मा से आर्ग्यू नहीं करना है. मम्मा हमें ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं पसंद है, दाल राइस चपाती, आपको जो भी मम्मा दे सलाद मिल्क आपको वो खा लेना है. और खाते टाइम हमें बात बिल्कुल नहीं करना है. जब तक हमारा ब्रेकफास्ट लंच या डिनर आप जो भी खा रहे हो तब तक हमारा फिनिश ना हो जाए तब तक हमें बातें बिल्कुल नहीं करनी है. और हमें ध्यान देना है कि हम जब स्पून से फॉक से खा रहे हैं तो खाना नीचे ना गिरे. आप छोटे हो इसे थोड़ा थोड़ा गिरेगा, बट आपको ध्यान देना है कि खाना नीचे ना गिरे. और बार बार वाटर खाते खाते वाटर नहीं पीना है. आपको वाटर कब पीना है? जब आपका लंच या डिनर फिनिश हो जाए तो आपको लास्ट में वाटर पीना है. आपको बटर मिल्क पीना है और शांत से मम्मा जो भी दे वो ठीक से आपको फूड कंप्लीट कर लेना है. हाँ, आपको ये बात का ध्यान देना है. और जब हमारा फूड फिनिश हो जाए तो हमें हमारा प्लेट को उठा के किचन में जाके सिंक में अपने आप रख देना है. हमें उठ के खड़े होके ऐसे नहीं चले जाना है. हमें ऐसा नहीं बोलना है कि मम्मा प्लेट ले लो, ओके? और फिर हमें क्या करना है? हमारा हैंड को वापस वॉश करना है. हाँ, फिर आपको क्या करना है? हैंड वॉश करके आपको आपका हैंड को ड्राई करना है. हाँ, फिर आपको गार्गल भी करना है. आपको मुंह में वाटर लेके गार्गल भी करना है ताकि हमारे जो फूड इधर उधर जो माउथ में फैल गया है वो हमारे माउथ से निकल जाए या तो माउथ से खराब स्मेल आएगा. आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है? आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब हम करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स में. नेम फाइव मिल्क प्रोडक्ट नेम हमने न्यू सीखा है ना, तो आपको ये भी रोज रिपीट करना है. तो मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या होता है? पनीर, बटर मिल्क, आइसक्रीम, कर्ड, मिल्क शेक, स्वीट्स, बहुत सारे होते हैं बट हमें ओनली फाइव होता है, ठीक है? देन आपको बोला है फाइव फ्लावर्स नेम.
फ्लावर्स के नेम आपको फाइव बोलने हैं। तो फ्लावर्स के नेम रोज, लोटस, सनफ्लावर, पेरिविंकल, जैस्मिन। ओके, आपको ये भी घर पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सबके नेम रोज घर पे रिपीट करना है। ठीक है, क्या वेजिटेबल है क्या फ्रूट है वो तो अब आपको पता चल गया डिफरेंसेस, पर आपको घर पे रोज रिपीट करना है। ठीक है, अब हम करेंगे लैंग्वेज टाइम। हम लैंग्वेज टाइम में 1 to 8 एंड 8 to 10 लिखना सीखेंगे ऑन स्लिप। ओके, नाउ इट्स लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम क्या करेंगे, हाउ टू राइट ए टू एल ऑन स्लेट एंड नंबर्स 1 to 8। ओके, हमें क्या करना है, हमें 4 लाइन में लिखना है। ठीक है, नीचे वाला जो लाइन है उसे हमें लीव कर देना है। हाँ, तो कैसे लिखेंगे, 1 स्लैंटिंग लाइन, अंदर स्लैंटिंग लाइन, इन द मिडल स्लीपिंग लाइन। ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलिगेटर, ओके, एंड ए फॉर एरोप्लेन ऑल्सो। देन बी, 1 स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड, अनदर कर्व्ड। बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बैट। ओके, देन थर्ड लेटर सी। सी कैसे करेंगे, कर्व ओनली, सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैमल, सी फॉर केक। देन डी, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। डी, डी फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डॉग एंड डी फॉर डोर। Then the letter E, 1 standing line and 3 sleeping line, 1 up, 1 in the middle and 1 in the last. E for elephant, E for eyes, E for egg. Then F, 1 standing line and 2 sleeping line, 1 up and 1 in the middle. F for fish, F for flower, F for flag. Then G, curved, up, inside, then outside and down. G, G for grapes, G for gun and G for gate. Okay, then H, 1 standing line, थोड़ा space छोड़ के दूसरा standing line, फिर middle में slipping line. H for horse, H for hat and H for hen. Then I, I हमें कैसे लिखना है, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर थर्ड लाइन में एक और स्लीपिंग लाइन और B मिडल में स्टैंडिंग लाइन। I, I for ice cream, I for igloo, I for ink pot. Then letter J, 1 स्लीपिंग लाइन, 1 standing line in the middle, say, then curved. J, J for jug, J for juice, J for joker. Then K, 1 standing line, middle में say, slanting line, दूसरा slanting line. K, K for king, K for kite, K for kangaroo. Then L, हमने न्यू लेटर सिखाया ना L, तो L हम आपको सिखाएंगे। हाँ, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, 1 मोर टाइम, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। L, L फॉर लायन, L फॉर लैपटॉप, L फॉर लीफ। ओके, आपको ये घर पे A से लेके L तक रोज प्रैक्टिस करना है। हाँ, बोर्ड पे या तो ऐसे स्लेट पे। अब हम सीखेंगे 1 to 8 नंबर्स। आपको ऐसे बॉक्स में लिखना है, ओके, नीचे लाइन को टच करके। हाँ, वन हमें कैसे लिखना होता है, ओनली 1 स्टैंडिंग लाइन बट इन द बॉक्स। 1, देन 2, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। 2, देन 3, कर्व
Yes, now four. Standing line, slipping line, and in the middle standing line. Four. Then five. Slipping line, standing line, curved. Then six. Curved. Insert another curve. Then seven. Slipping line and slanting line. Then eight. One circle, another circle. आप छोटे किड्स हो इसलिए आपको ऐसे एट लिखना है ठीक है. यस, हम वन टाइम रिपीट करेंगे. वन स्टैंडिंग लाइन वन, कर्व्ड एंड स्लिपिंग लाइन टू, कर्व्ड अनदर कर्व थ्री, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन फोर, स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व्ड फाइव, कर्व्ड इनसाइड अनदर कर्व सिक्स, slipping line, slanting line, 7 and 8, circle, another circle, okay? ऐसे आपको घर पे प्रैक्टिस करना है हाँ, और बॉक्स के अंदर ही लिखना है. Now it's worksheet time. अब हम worksheet करेंगे. Now it's worksheet time. Worksheet time में आज हमें ये करना है. Trace and draw the pattern. ये pattern कौन सा है? Bricks वाला है. देखो ये bricks है. तो हमें ग्रीन डॉट से रेड डॉट तक ज्वाइन करना है डॉट्स को ऐसे. हमें डॉट्स के ऊपर ही करना है. ये लाइन भी हमें ऐसे कंप्लीट करना है सारा. फिर ये लेना है फर्स्ट लाइन, ग्रीन से लेके रेड तक डॉट को हमें ज्वाइन करना है. सेकंड लाइन भी ऐसे करना है. देन थर्ड लाइन भी ऐसे कंप्लीट करना है. फिर देखो सिर्फ डॉट है यहाँ पे, तो सारे में डॉट नहीं है, ओनली टू डॉट्स है. तो हमें ग्रीन से लेके रेड तक डॉट को ज्वाइन करना है, अपने आप करना है. यस, फिर सेकंड में भी ऐसे करना है. थर्ड में तो डॉट भी नहीं है, तो हमें अपने आप करना है. वेरी गुड, ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है. देन टर्न योर पेज, देन कलर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओवल इन शेप. ये सारा ऑब्जेक्ट में से जो ओवल शेप है हमें सिर्फ उसे ही कलर करना है ठीक है. तो फर्स्ट हम काउंट करेंगे सारे इस ओवल शेप को. कितने ओवल शेप है? वन, टू एंड थ्री. ये दोनों तो सर्कल है, टू सर्कल्स एंड थ्री ओवल शेप. सर्कल ऐसा गोल होता है और ओवल ऐसा लंबा होता है ठीक है. तो हमें थ्री ओवल शेप को कलर करना है क्रेयॉन्स से ठीक है. आपको ऐसे करके ये वर्कशीट कंप्लीट करना है. कैसे करेंगे आप? हम आपको पीडीएफ फाइल भेजेंगे. पीडीएफ फाइल में से देख के आपको ये वर्कशीट सारे कंप्लीट करने हैं. और 1 to 30 और A to Z रोज आपको ओरल करना है और राइम्स भी करना है ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय. बाय बाय.